आज सीए और एनआरसी के खिलाफ भारत बंद का ऐलान दिया गया था, तब बड़ौदा शहर में इसका मिलाजुला असर देखने को मिला। भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिस विभाग की ओर से चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए थे। कुछ कुछ ग्रुप्स ने जो बंद का ऐलान किया है उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई हैं और कुछ लोगों ने स्वयंभू बंद रखा है। पुलिस का जनरल तकेदारी बंदोबस्त इसलिए रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ग्रुप ज़बरदस्ती किसी भी तरह का रोड की लोगों की आवक जावक में परेशानी क्रिएट ना करे या किसी भी दुकान को ज़बरदस्ती बंद कराने की कोशिश ना करे और शांति में किसी भी तरह की सिटी की शांति में किसी भी तरह की कोई परेशानी क्रिएट ना करे। शहर के संवेदनशील विस्तारों में सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात की गई थी, जबकि स्थानीय पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई थी। शहर में शांतिपूर्ण माहौल में भारत बंद का मिला जुला असर देखा गया। सीए और एनआरसी के विरोध करते समुदायों ने दुकानें बंद रखी थी। અત્યારે બરોડા સિટીમાં લગભગ બધા જ માણસોને સ્ટેન્ડટુ રાખવામાં આવે છે, તમામ અધિકારી અને પોલીસના માણસોને, અને જે જગ્યાએ ખાસ કરીને સિટી વિસ્તાર છે, કોર્ટ વિસ્તાર છે, એમાં થોડો વધારે બંદોબસ્ત રાખવામાં આવેલો છે। એસઆરપીની કંપની બી અમારી પાસે છે, ઓલરેડી ટોટલ 4 કંપની છે, એટલે વ્યૂહાત્મક જગ્યાએ બંદોબસ્ત સંપૂર્ણ રાખવામાં આવેલો છે। અને ખાસ કરીને તો જે રીતે આ લોકોએ વાત કરી છે કે સરકારથી જ કામ કરવું, પણ કદાચ કોઈ પરિસ્થિતિ વણશે તો એને પહોંચી વળવા માટે પોલીસે પૂરતા પગલાં લીધેલા છે। એસી હી તાજા તરીન ખબરો સે અપડેટ રહેને આપ હમે યુટ્યુબ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓર ટ્વિટર પે સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક ઓર ફોલો કરના ના ભૂલે।